भाजपा नेता विजय जौली ने दिल्ली सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के चलते दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 3 महीने की स्कूल फीस तुरंत माफ की जाए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते प्राथमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे लाखों छात्रों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। साथ ही विजय जौली ने दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उस बयान को भी अव्यवहारिक बताया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा देने की जोर शोर से घोषणा की है। विजय जौली ने कहा कि यदि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं और उनके पास मात्र 2 ही मोबाइल फोन है, तो तीनों बच्चों के लिए एक ही समय में ऑनलाइन पढ़ाई कर पाने की सुविधा प्राप्त करना असंभव और अव्यवहारिक है। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लॉकडाउन के कारण छात्रों की पढ़ाई जिस तरह से प्रभावित हुई है, उसे कवर करने के लिए गर्मी की छुट्टियां कम कर अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाए, जिससे छात्रों की पढ़ाई पूरी करवाई जा सकती है। विजय जौली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की भी अपील की और कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न हुए इस संकट की घड़ी में स्कूल फीस माफ कर दिल्ली के सभी अभिभावकों को राहत दी जानी चाहिए। दिल्ली सरकार से मेरा अनुरोध है, कोरोना वायरस महामारी के चलते जो 12वीं तक के छात्र हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल्स में हैं, टोटल लॉकडाउन के कारण उनको अपने घरों में बैठना पड़ रहा है। इस अवधि के दौरान उनकी स्कूल की टोटल फीस को दिल्ली सरकार एक अध्यादेश जारी कर टोटली एग्जेम्प्ट करे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह के इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इसके लिए वीडियो को शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।